Hello everyone, myself Sumit Kumar, Managing Director JK Financial. I have 12 years of teaching experience in physics. Today I am going to teach the first topic of 12th class, that is electrostatics. Electrostatics basically kya hai? Ye do words se bana hai. Electro and statics. Electro means charges and static means at rest. In other words, हम इसको static electricity का भी नाम दे सकते हैं. इस चैप्टर में हमने चार्जेस को सिर्फ रेस्ट पर पढ़ना है और इसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी उसमें हम चार्जेस को मोशन में पढ़ेंगे. ओके, नाउ सबसे पहले डेफिनेशन अगर हम देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या? एक ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जो किससे डील करती है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्ज, दैट इज चार्जेस एट रेस्ट. जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तो उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी कौन कौन सी करेक्टर्स बनते हैं, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले मैं कंसेप्ट ऑफ चार्ज के बारे में बताना चाहता हूँ. कंसेप्ट ऑफ चार्ज से भी पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि चार्ज, जैसे हम कई बार हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, वो चार्ज है, बट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कोई चार्ज नहीं है, वो तो एक मैटर है. चार्ज जो है वो एक बेसिक प्रॉपर्टी है, एक इनहेरेंट बोल सकते हैं, फंडामेंटल या बेसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, जिसकी वजह से मैटर में ये सारे इलेक्ट्रिकल बिहेवियर क्रिएट होते हैं. कौन कौन से? जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस एटसेट्रा. हम अभी इनमें से कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हैं, वो नेक्स्ट टॉपिक्स में आपको मैं बता दूंगा. तो ये सारे जो मैंने इलेक्ट्रिकल बिहेवियर बताए, ठीक है, ये जो क्रिएट होते हैं, ठीक है, उसी को हम चार्ज बोलते हैं. नाउ इन अदर वर्ड्स, अगर हम सिंपल लैंग्वेज इसको बोले, इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच कॉजेज मैटर टू एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, या फील्ड या पोटेंशियल को बोल सकते हैं. अगर हम जैसे हमने मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ऐसे यूनिट्स जो है वो कूलम है, सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम है, डायमेंशन फॉर्मूला m0 l0 a1 t1, और चार्ज जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि लैब में हमने पढ़ा था दो तरह की क्वांटिटीज होती है, स्केलर्स एंड वेक्टर्स. तो ये स्केलर में माना जाता है क्योंकि इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है. अब बात करते हैं चार्ज का कंसेप्ट. वैसे तो चार्ज का कंसेप्ट अगर हम देखें तो वो तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था, वो 18 सेंचुरी में आकर, काफी लेट हुआ, लेकिन सबसे पहले जो कंसेप्ट था चार्ज का, दैट वॉज गिवन बाय थैल्स ऑफ मिलेटस, ठीक है. थैल्स था एक पर्सन जो मिलेटस का रहने वाला था, बहुत पुराना कंसेप्ट है, लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जो आज हम सुनते हैं कि दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, वो कंसेप्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन का 18 सेंचुरी में आके उसने दिया. तो जो पहला पर्सन था जिसने चार्ज के बारे में कंसेप्ट दिया, चार्ज भी नहीं बोलूंगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जिसने कंसेप्ट दिया, दैट वाज थैल्स ऑफ मिलेटस इन 600 BC. जो स्टूडेंट्स नोट करना चाहते हैं इस कंसेप्ट को कर सकते हैं. मैं अब ये कंसेप्ट सिर्फ बताऊंगा, बोलूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, ठीक है, आप नोट कर सकते हैं इसको. इसने क्या किया, इसने एम्बर और फर को रब किया. एम्बर एक रेजिन है, जैसे रबर एक ट्री से मिलता है, वैसे ही एम्बर जो था तब बेल्टिक सी जो है उसके शोर्स पे कुछ ट्रीज मिलते हैं, ठीक है, वहां से वो रेजिन निकलता है, उसको एम्बर बोलते हैं. तो उसने एम्बर को किसके साथ रब किया? फर के साथ. उसने देखा कि एम्बर में एक प्रॉपर्टी आ गई, वो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स स्टार पीसेस उनको अट्रैक्ट करना शुरू कर गया. तो उसने उस समय तब उसने इस प्रॉपर्टी को नाम बोला स्टैटिक कूलिंग, ठीक है, और जिसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का भी नाम दे सकते हैं. ओके, अच्छा, इसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन की मैं बात करूंगा. बेंजामिन फ्रैंकलिन, मैंने पहली वाली वीडियो में भी बताया था, बट कुछ बच्चों ने बोला कि सर क्लैरिटी नहीं आ रही है उसमें वीडियो में, तो मैंने ये स्विच किया वाइट बोर्ड में. अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1759 में, बेसिकली मैं पहले बता चुका हूँ कि 1752 से 1772 के बीच में ये सारी इसने स्टडी करी थी, यहाँ तक कि जो लाइटनिंग का कंसेप्ट था फर्स्ट टाइम वो बेंजामिन फ्रैंकलिन दिया था, और इसी के नाम पर हम बोल सकते हैं कि चार्ज की इन्वेंशन किसने की? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की. टू टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में इसने बताया, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का मैं आपको एक
और थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ पहले स्टार्टिंग में, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, हम चार्जेस को कोई और नाम भी दे सकते थे, जैसे हम पोल्स को बोलते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल दो तरह के, तो वैसे भी हम चार्ज चार्ज को बोल सकते थे नॉर्थ पोल नॉर्थ चार्ज साउथ चार्ज, बट एक्चुअली बेंजामिन फ्रैंकलिन ने समझ लो कि अपनी कन्वीनियंस के लिए, हमारी कन्वीनियंस के लिए इसने नाम दे दिया पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। बट इनिशियली स्टार्टिंग में जो चार्ज था किस पे, चार्ज ऑन रबर, इसने बहुत सारे मटेरियल को रब किया, जैसे रबर हो गया, ग्लास हो गया, सिल्क क्लॉथ हो गया, फर हो गया, बहुत सारे। एक मैं अभी आगे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज के बारे में बताऊंगा, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो जो चार्ज था इनिशियली रबर में, जो चार्ज था जब इसने रबिंग की, चार्ज देखा बॉडीज पे, तो इसने इसको नाम दिया रेजाइनस। एक्चुअली सिंस रबर इज ए रेजिन, रबर एक रेजिन है, इसलिए इसने रबर को, जो पहले जो रबर पे चार्ज बना था जब इसने रबिंग की रबर को किसी मटेरियल के साथ, तो इसने इसको नाम दे दिया रेजाइनस। ऐसे चार्ज ऑन ग्लास, ग्लास पे जो चार्ज बना उसको इसने नाम दिया विटस। सिंस इन ग्रीक ग्लास इज टर्म्ड एज विट्रम, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज में हम ग्लास को विट्रम बोलते हैं, इसलिए वहां से वर्ड निकालते हैं विट्रस। लेटर ऑन यही कंसेप्ट किसमें कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में। अब अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज की, नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊंगा, उससे पहले हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इस वीडियो को खत्म होने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।